इस भाषा में रहेगा। भारत पहले भी अखंड था, आज भी अखंड है और प्रगति के पथ पर तिरंगा यात्रा जो हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है, यह अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और हमारे देश की एकता का प्रतीक है जो पूरे विश्व को एक संदेश दे रहा है कि हम कभी विश्वगुरु हुआ करते थे और आगे भी विश्वगुरु रहेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही बड़ा एक संदेश है राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए। विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकली है, क्या संदेश देना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हरहुआ ब्लॉक के प्रमुख बड़े भाई प्रिय श्री विनोद उपाध्याय जी की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा निकली। इस यात्रा में मुख्य रूप से हमारे वाराणसी के यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय श्री हंसराज विश्वकर्मा जी और लोकप्रिय विधायक माननीय त्रिभुवन राम जी की अध्यक्षता रही और भारतीय जनता पार्टी के हजारों की संख्या में देवतुल कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लेकर के यात्रा किया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो घर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है उसको सफल बनाने के लिए यात्रा निकाली गई थी। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से सारे कार्यकर्ता बंधुओं का और देवतुल जनता का हार्दिक बधाई के साथ धन्यवाद देता हूँ।